पार्ट टू लेक्चर नंबर पार्ट वन में हमने क्वेश्चन नंबर वन को सॉल्व किया। क्वेश्चन नंबर वन में हमने क्या किया, राइट द फॉलोइंग एल्जेब्रिक एक्सप्रेशन इन असेंडिंग ऑर्डर विद रिस्पेक्ट टू, यानी कि ए के रिस्पेक्ट से हमें जो है क्वेश्चन है यानी कि जो है उसको हमें असेंडिंग ऑर्डर में अरेंज करना है। और पार्ट वन में आपको बता देगा असेंडिंग ऑर्डर और डिसेंडिंग ऑर्डर क्या है। अब इसमें यानी कि पार्ट टू में हम जो क्वेश्चन सॉल्व करने जा रहे हैं वो है क्वेश्चन नंबर टू। और क्वेश्चन नंबर टू में क्वेश्चन क्या लिखा हुआ, राइट द फॉलोइंग एल्जेब्रिक एक्सप्रेशन इन डिसेंडिंग ऑर्डर विद रिस्पेक्ट टू द गिवन वेरिएबल्स, कि गिवन वेरिएबल्स के लिहाज से जो है यानी कि क्वेश्चन जो है उसका हमें डिसेंडिंग ऑर्डर में अरेंज करना। डिसेंडिंग ऑर्डर क्या, दोबारा रिपीट कर दे रहा हूँ कि हायर से लोअर की तरफ जाना यानी हायर वैल्यू से लोअर वैल्यू की तरफ जाना, ये सब जाके डिसेंडिंग ऑर्डर क्या है। तो देखो यहाँ पे क्वेश्चन नंबर टू में पार्ट वन है वो लिखा हुआ है एक्स स्क्वायर प्लस एक्स क्यू माइनस वन। अब इसको हम डिसेंडिंग ऑर्डर में अरेंज कर दे तो हायर पावर को पहले लिखेंगे और यहाँ पर जो भी गिवन वेरिएबल है उसके लिहाज से यहाँ पर एक्स वेरिएबल गिवन है तो एक्स के लिहाज से तो एक्स का हायर पावर पहले लिखेंगे तो हायर पावर यहाँ पर थ्री है तो एक्स क्यू प्लस इसके बाद इससे थ्री से कम तो थ्री से कम टू है तो एक्स स्क्वायर माइनस इसके बाद वन होगा लेकिन यहाँ पर आपको एक्स नहीं दिख रहा ठीक है तो इसका मतलब है यहाँ पर उसके बाद जीरो तो यहाँ पर वन के साथ एक्स नहीं लिखा हो तो उसका मतलब एक्स के पावर जीरो है तो उसके बाद एक्स स्क्वायर के बाद हम क्या लिखेंगे माइनस वन। तो देखो थ्री टू जीरो यानी कि हमने क्या किया यहाँ पर हायर सम लोअर की तरफ गए ठीक है। तो यही डिसेंडिंग ऑर्डर में अरेंज करने तो हमने इसको डिसेंडिंग ऑर्डर में अरेंज किया। अब देखो क्वेश्चन नंबर फाइव, अब फाइव में क्या दिया, फोर वाई क्यूब माइनस टू वाई प्लस फाइव वाई की पावर फोर प्लस सेवन, तो इसको भी हमें डिसेंडिंग ऑर्डर में अरेंज करना है यानी वाई के लिहाज से। तो इसको हम देखेंगे सबसे पहले हायर पावर वाई के ऊपर हायर पावर फोर जो है वाई की पावर फोर है तो सबसे पहले मैंने क्या लिखा फाइव वाई की पावर फोर इसके बाद फोर से कम क्यूब तो इसके बाद प्लस फोर वाई क्यूब और क्यूब से कम स्क्वायर तो स्क्वायर वाला कोई कम नहीं है तो उसको स्किप कर देंगे वो नहीं लिखेंगे। इसके बाद टू के मतलब टू के बाद वन तो वन यहाँ पे वाई की पावर इसके ऊपर कोई पावर नहीं है तो उसका मतलब उसके ऊपर पावर वन है तो माइनस टू वाई और उसके बाद वन के बाद जीरो तो ये देखिए यहाँ पे ये कॉन्स्टेंट इसके साथ कोई वेरिएबल नहीं है वाई नहीं लिखा हो तो उसका मतलब ये वाई की पावर जीरो है तो उसके बाद हम क्या लिखते हैं प्लस सेवन। देखो फोर थ्री टू नहीं है वन और जीरो तो हम डिसेंडिंग ऑर्डर में गए। अब इसी तरह यहाँ पे क्वेश्चन नंबर नाइन में देखो कि इसको फ्रैक्शन में दिया हुआ है तो पहले हम क्या करेंगे ए के पावर फोर को नीचे से ऊपर ले जाएंगे तो माइनस फोर, ए के पावर टू को नीचे से ऊपर ले जाएंगे तो माइनस टू, माइनस सिक्स प्लस फोर स्क्वायर प्लस ए के पावर फोर। इस पर जब हाइयर से लोअर की तरफ जाएंगे तो क्या लिखेंगे पहले ए के पावर फोर प्लस फोर, सॉरी देखिए यहाँ पे ये माइनस फोर ही होगा तो यहाँ पर मैंने इसको डिलीट करके माइनस माइनस फोर है बेटा ठीक है तो ये माइनस फोर। अब यहाँ पर देखो पहले हम यहाँ पे ए के पावर प्लस फोर लिखेंगे ए के पावर प्लस फोर उसके बाद क्या प्लस अब यहाँ पे स्क्वायर तो प्लस फोर ए स्क्वायर माइनस सिक्स फोर ए के पावर माइनस टू और प्लस यहाँ पे ए के पावर माइनस फोर है ये तो यहाँ पे ए के पावर माइनस फोर। तो देखो यहाँ पे माइनस टू माइनस फोर में समझे माइनस टू इज ग्रेटर देन माइनस फोर तो इसे हमने पहले माइनस टू लिखा इसके बाद भी हमने क्या लिखा माइनस फोर तो फोर टू जीरो माइनस टू माइनस फोर डिसेंडिंग ऑर्डर में अरेंज करना तो हमने यहाँ पर कर दिया। इसी तरह इस सवाल क्वेश्चन नंबर 10 में देखें 9 माइनस फोर एक्स स्क्वायर माइनस एट अपॉन एक्स स्क्वायर माइनस फोर अपॉन एक्स पावर फोर प्लस फोर एक्स स्क्वायर तो यहाँ पर हम क्या करेंगे इसको एक्स स्क्वायर को नीचे से ऊपर ले जाएंगे तो माइनस टू और एक्स पावर फोर को नीचे से ऊपर ले जाएंगे तो माइनस फोर प्लस फोर एक्स पावर फोर। तो इस पर भी हम डिसेंडिंग ऑर्डर मैनेज करेंगे तो हायर से लोअर की तरफ जाएंगे तो सबसे हायर पावर ये रहा फोर एक्स की पावर फोर तो फोर एक्स की पावर फोर इसके बाद फोर के बाद क्यूब तो क्यूब नहीं है तो एक्स स्क्वायर तो माइनस फोर एक्स स्क्वायर इसके बाद वन वन वाला टर्म भी नहीं है तो उसके बाद जीरो तो प्लस नाइन नाइन के साथ वाई एक्स नहीं है तो एक्स की पावर जीरो है तो जीरो इसके बाद हम नेगेटिव लिखेंगे तो नेगेटिव में सबसे पहले ग्रेटर कौन सा ये माइनस टू ग्रेटर है माइनस टू ग्रेटर देन माइनस फोर तो माइनस एट एक्स के पावर माइनस टू इसके बाद माइनस फोर एक्स के पावर माइनस फोर। तो उसको भी आपने किस ऑर्डर में अरेंज किया डिसेंडिंग ऑर्डर में अरेंज किया। तो बाकी जितने भी क्वेश्चन है जैसे क्वेश्चन थ्री फोर सिक्स एट नाइन ये सब क्वेश्चन आपके हो गया तो टेंथ में क्या हुआ है तो बाकी जितने भी रिमेनिंग क्वेश्चन है वो आपने सॉल्व करना है इसी मेथड को फॉलो करते हुए। इंशाल्लाह नेक्स्ट लेक्चर में मुलाकात करेंगे। ओके अल्लाह हाफिज़। अस्सलाम वालेकुम।